आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं फिल्म अभिनेता जो है मुकेश ऋषि जी। मुकेश ऋषि जी, ये बताइए कि जश्न आज़ादी पर जो है लखनऊ में आए तो क्या कहेंगे? मुझे बेहद खुशी है क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं जाते हैं, नहीं हो तो सोसाइटी में जाता हूँ कि हमारी सोसाइटी भी उसी तरह से इसे सेलिब्रेट करती है। तो आज यहाँ आने का जब मुझे मौका मिला तो ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि इस किस्म का प्रोग्राम होता है और बहुत पॉपुलर है, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसका हिस्सा बनना चाहिए और मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आज मैं इस मौके पे। सर, आजकल देखा गया है कि विलन का रोल भी जो है वो अब हीरो करने लगे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? कर लें दो यार, उनको बच्चे हैं, खेल लें दो उनको, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये जो ज़िंदगी है इसके जो चेंजेस आते हैं इसको एक्सेप्ट करने चाहिए, इसमें क्या बुरी बात है अगर वो करते हैं, मैं नहीं समझता। लेकिन उनकी एक हद है, उस हद के पार वो नहीं कर पाएंगे, वो हद के पार हमारी ही याद आएगी उनको, क्योंकि हीरो है ना, उनकी एक लिमिट है। तो एनीवे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत ट्रू टू लाइफ जो करेक्टर हैं वो प्ले किए जा रहे हैं, तो उसमें ये फ़ायदा हो गया कि एक अच्छा ऑफिसर है तो अच्छा ऑफिसर बन के आप ऑफिसर की तरह लगिए, ना कि हीरो की तरह लगिए। तो चेंजेस आते रहते हैं, हमारी कहानियों में भी चेंजेस आ रहे हैं, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सर, जम्मू कश्मीर में आपका जन्म रहा है और वहाँ 370 को लेकर जो है सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया है, आप क्या कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हम अभी 25-30 साल से तो देख ही रहे थे, कितनी टेंशन थी टीवी पे जब देखते थे सुनते थे, दुख तो होता था, बहुत दुख होता था कि ऐसा खूबसूरत सिटी है जहाँ सोच मैच नहीं हो रही है, क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, सरकारों की सोच से हम लोग उतना तो मैं नहीं हूँ कि मैं उनकी सोच को मैच कर पाऊँ, लेकिन जो मैं देखता था होते वो मुझे बहुत दुख होता था। तो मैं यही समझ नहीं, इसे अगर सरल तरीके से बताऊँ कि एक वो दौर था जब इतना कुछ हो रहा था, कुछ रास्ता नहीं निकल रहा था, तो अगर ये सरकार आई, इन्होंने एक रास्ता निकाला है कि अगर हम इस तरह करते हैं तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता। चंडीगढ़ भी इसी तरह है, उसी का भी स्टेटस यही है, आप जाते हैं वहाँ घूमते हैं, दिल्ली जाते हैं, आपको कोई रोकता, उसका स्टेटस भी ऐसा ही है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता किसी आम आदमी को। लेकिन पॉलिटिक्स एक अपने तरह की होती है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे यह है कि अगर ये जो नरेटिव है, अगर ये जो बात है कश्मीर में पीस लाती है, कश्मीर में खुशहाली लाती है, डेवलपमेंट लाती है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे बेहद खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी इंडिया लाइव से बात करके। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता जो है मुकेश ऋषि जी, जिनका साफ ये कहना था कि जम्मू कश्मीर पे जो स्टेप लिया है सरकार ने वो बहुत अच्छा है और आगे चलकर देखना है कि इस पे क्या निर्णय।